नमस्कार दगड़ियों, तुम्हारे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज फिर से वापस आ रही तुम्हारे सामने। तो मैं एक पहाड़ी डिश बनानी आज ब्याह है रात खान में। तो ये मेथी और मूली बड़ी छन जो कि हम मेथी के रात भिगा दिनो और मेथी बीज जो होनी उनको रात भिगा दिनो और फिर मूली कसबेर रत्तम बीज अधिकार पीसबेर मूली को मिक्स करके फिर बड़ी बना देते हैं, सुखा देते हैं उसको। फिर हम ये आलू के साथ और ये बड़ी, इसमें नॉर्मल भूनने का तरीका रहता है, पहले हम बढ़िया को भून के निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब भून के फिर हम इसको उसमें बड़ी और आलू दोनों मिला देते हैं। तो आज मैं ये दिगड़ बनूनी मडुआ रोट और आलू बड़ी, मेथी की बड़ी, आलू बड़ी, मूली की सब्जी बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे मडुआ की रोटी के साथ कितना टेस्टी टेस्टी होता है ये सब्जी के साथ मडुआ की रोटी में घी रख के। फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार दगड़ियो, मेरा नाम गीता छो, तुम्हारा स्वागत छो हमारे यूट्यूब चैनल में। सो मैं आज तुम्हारे दगड़ फिर से मिल रही एक पहाड़ी डिश के साथ मिल रही हूँ। तो हम बना रहे हैं आज जो बड़ी है मेथी के दाने और मूली से बनाई गई है। तो हम इसके मेथी के बीज जो होते हैं उसको रात को भिगो देते हैं और मॉर्निंग में हम उसको पीसते हैं पानी में से निकाल के और मूली कस के उसके साथ मिक्स करके फिर हम इनको सुखा देते हैं और फिर हम कभी भी इनको आलू के साथ बना सकते हैं। तो ये आलू हैं और ये मेरा बाकी का मटेरियल है, लहसुन प्याज हरी मिर्च और टमाटर। तो इसके साथ ये सब्जी के साथ हम बनाएंगे मडुए की रोटी। सो फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत अच्छी होती है सर्दियों में जो कि बहुत गर्म होती है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मेरा मकसद है कि मैं आपको उत्तराखंड की चीज़ों के बारे में बताऊं और हम उन चीज़ों का प्रयोग करें और खाने में अपना, तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और हेल्दी खाना भी मिलेगा। सो दगड़ियों, ये बड़ी के पहले हम भून लेंगे मनी ऑयल में और ये ऑयल बर्न आता ना, एक बारी लास्ट वीक हम बड़ी बनाई वो तो हमारे भात अधिगढ़ खानी उनको जो कि बननी उरद दाल या खीरा उदिगढ़ या भुजा अधिगढ़ मिलावेर उरद दाल के फिशबेर बनोनी वो तो भात अधिगढ़ खानो हम। और ये वाल बड़ी छन जो कि मेथी के दाने और मूली के साथ, तो ये बनते हैं सब्जी आलू के साथ, रोटी के साथ ये सब्जी बनती है हमारी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लहसुन प्याज टमाटर भून गो, तो हम अब इसमें डाल दी नो पानी। अब यो पानी हजल गरम तो तब हम उबाद ये में डालो सब्जी। तो मतलब हम ये अभी हमने लहसुन प्याज टमाटर भून लिया और अब इसमें हम गरम पानी डाल रहे हैं जो कि गरम हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा थोड़ा, तो उसके बाद हम इस पर फिर सब्जी डाल देंगे बड़ी और आलू। सो दगड़ियों, अब हमार यह होगा बॉईल और अब हम इसमें डाल देंगे साग बड़ी और आलू और फिर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। अभी हमारा बॉईल हो चुका है वाटर, तो हमने इसमें बड़ी और आलू डाल दिया है और ये अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन बंद कर देंगे और ये फिर पक जाएगा, कम से कम हाफ एन आवर लगेगा इसको पकने में। और ये है फ्रेंड्स मडुए का आटा। पहाड़ी लोगों को तो पता छो मडुआ आट के हूँ और कदू कदू फ़ायदा होनी, तो ये मडुए का आटा है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और शुगर के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, शुगर के पेशेंट के लिए और प्लस ये कैंसर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। गेहूं के आटे से मडुए का आटा बहुत ही अच्छा होता है, तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग करें। तो ये आजकल यहाँ दिल्ली में भी उपलब्ध है, यहाँ भी मिल जाता है, पहाड़ी शॉप्स होती हैं तो वो लोग रखते हैं
तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो दगड़ियों, जब तक हमारे साग पगवे रेडी होना तब तक हमारे यहाँ यो मडो पिशू और यो गेहूँ पिसी बुलवे हमल तैयार करा। ये है मडवे का आटा और ये है गेहूँ का आटा। तो तब तक हमारी सब्जी पक रही है, तो हमारा आटा गूंथ के रेडी है। अब हम सब्जी देखेंगे पक गई कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे साग बनवे हो गए तैयार। बड़ी और आलू की सब्जी हो गई है रेडी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया, हरा धनिया, ये सब्जी रेडी। और इसका जो सूप होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब हम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाने हैं मडवा रोट। दिख रहा है, ये हमने लिया मडवे का आटा और ये बेला नहीं जाएगा, इसको मुझे हाथ में बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा तो बनता नहीं है, छोटा छोटा बन जाएगा। ये इस तरह से हाथ में बेला जाता है, देन हम इसको डाल देंगे तवे में। तो हम तवे में भी फुला देंगे इसको इस तरह से। अभी इसको पकने देंगे। अब ये देखो फ्रेंड्स, हमने इसको प्लग किया दूसरी साइड से। अब हम इसको और एक ये बनाते हैं लेसू रोटी। गेहूं की रोटी ली थोड़ा, जैसे कि हम पराठा बनाते हैं स्टफ़ करके, तो इस तरह से मडवे को इसके अंदर डाल दिया हमने। और ये हम बेल सकते हैं बेलन से, तो इसको हम बोलते हैं लेसू रोटी। क्या बोलते हैं भावेक? लेसू। हाँ, तो क्या खा ले मडवे रोट? ओ गेहूँ डाल बेर खा ले। हाँ, और क्या खाएगा? सब्जी क्या खाएगा? आलू बड़ी। तो ये हमारी बन गई मडवे की रोटी और हम इसमें रख देंगे घी। सो अब खाएगा भावेक। भावेक खाएगा मडवे की रोटी के साथ, घी के साथ मडवे की रोटी। कस कस छो भाभी, कस लागना हो तुम्हें? भल बढ़िया है रो, टेस्टी। हाँ जा फिर, गरम है हाथ जल गया। हाँ। चलो बैठ के खाना फिर वहाँ पे, ठीक है? ओके, बाय बाय करो फ्रेंड्स को। तो ये है हमारी मडवे की रोटी। सो बाय फॉर देम। हमारी मडवे की रोटी बड़ी की सब्जी और घी के साथ रेडी है खाने के लिए।